नमस्कार, सत्य खबर पर आपका स्वागत है। हरियाणा प्रदेश के जो 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले सत्य खबर लगातार तमाम विधानसभा क्षेत्र में जाकर एक पड़ताल कर रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है कि लोगों के मन में आखिर चल क्या रहा है। 90 विधानसभा सीटें हैं, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला ही देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़े नेताओं की जो बयान आ रहे हैं, बड़े नेताओं की रैलियां हो रही, क्योंकि मात्र 10 दिन बच गए हैं एक तरह से वोटिंग होने में। 10 दिन से जो बचे हैं, इनमें एक दूसरे पर ना केवल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, रैलियां, जनसभा और जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर वो सब अपना दम लगा रहे हैं। लेकिन रणनीति बन रही है, मुद्दे हैं बहुत सारे और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तीसरी बार अपना मैनिफेस्टो लेके जो चल रहे हैं कि लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। और कांग्रेस, सीधे सीधे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, सिर्फ 5 मिनट अपना भाषण देते हैं, वो घोषणा पत्र की बात करते हैं और एक बात सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो निर्दलीय है वो वोट काटना है, वो अपनी बात करेंगे। लेकिन मतदाता इस बारे में क्या सोचते हैं, हम तो इसकी पड़ताल करने के लिए, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बरोदा लोकसभा की सीट है, बहुत हॉट हो गई है। 2020 के जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी इन्होंने, इस हलके ने, सत्ता पक्ष को छोड़ के विपक्ष के इंदुराज नरवाल को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। कई दिन से जो कुमारी शैलजा है, सिरसा की जो सांसद है, उनका मुद्दा भी उठा, लेकिन उन्होंने कल खुद ही टीवी के आगे आके, कैमरे पे आकर अपनी बात को, इस मुद्दे को भी छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा था, असल में मुद्दे क्या है, या भाईचारे पर इलेक्शन है, आज इस बात की पड़ताल करेंगे। हमें बनवासा गांव में, नरवालों का गांव है और 2 नरवाल बंधु हैं, एक कांग्रेस से इंदुराज, दोबारा उस पर दांव खेला गया है, और डॉक्टर कपूर निर्दलीय है, प्रदीप सांगवान भारतीय जनता पार्टी से। तो इस मुकाबले को इन ग्रामीणों ने किस तरह का बना दिया, दिलचस्प बात है, सुनते हैं। चोई साहब कैसे हैं? ठीक है जी। तो चुनाव का तो आप देख रहे हो, दन दना दन दन, गाड़ियां, रेलम पेल, खूब जोरों पे, खूब जोरों पे। बनवासा बड़ा समझदार और बड़ा सुलझा हुआ गाँव है। दो बंधु हैं आपके, तो अभी अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि बनवासा के लोग मुद्दों पे अपनी चर्चा करते हैं, वोट करेंगे या कुछ और चीज देख रहे हैं? वो जी भालू को देख रहे हैं, ईमानदारी राजनीति कर रहे हैं, ईमानदार है। आधी रात को बोलो तो भाई इंद्रवाज कहाँ है, वहां पर हूँ, सच्चाई बोल रहा है। आधी रात को फोन कर दिया, आधी रात में पहुंच गया। 36 बिरादरी के नेता है, 36 बिरादरी का भाई है, बड़े बुजुर्ग की, माता बहन की, सबकी को साथ लेकर चला है, सबकी इज्जत करे है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब ये चीजें देखते हैं नेता में। इसमें जी सबसे बड़ी ईमानदारी नेता यू है, और एक गरीब परिवार के बेटे की टिकट देना भूपेंद्र हुड्डा ने, ये बहुत बढ़िया काम किया है। हम भूपेंद्र हुड्डा को बहुत बढ़िया नेता मानना है। अब देखो गरीब, देखो बड़े घराना का तो कुछ भी करो, कोई निर्दलीय इलेक्शन लड़ो, उन तो बड़ी 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 गाड़ी है। ये तो जी जैसे सबने पता है, गरीब घर का वाल था, गरीब घर का वाल को टिकट देना देखो बहुत बड़ा मान सम्मान है भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा, मैं ना 2-3 दिन से चौधरी साहब उसके बड़े हुड्डा हैं जो आपके नेता हैं कांग्रेस के, उनका मैं भाषण सुन रही, वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेटों को जो भी आप वोट डालोगे वो वोट सीधी मुझे आएंगे, इसका अर्थ क्या है? वो तो अपनी बात कह के चला जाते, इस बात का क्या मायने निकालते हैं ग्रामीण? ये है जी, न्यू ना मानना कदे कोई इश्ती दे दो, ये तो निर्दलीय उठे इश्ती दो, काम पे वोट खराब करो, सीधा सीधा मत हो बालू ने कहे, बालू को वोट दो, जब हम मुख्यमंत्री बनाएंगे दूसरे के हम कती होनी। अरे ये बात फिर मतलब अगला टिकट इश्ती देगा, हम दूसरे दिन क्यों जाए? दो टिकट पर कथुरम पर लड़े प्रदीप नरवाल, जो जयवीर मालम की इनको दे रखी, तीसरा फिर कपूर, तीसरा ने मेरे को तीसरी को दे दे। इस बात की चर्चा है, मतलब कपूर में आ गई, सोचते लोग सोचते हैं। अच्छा तीसरी मतलब अरे बरोदा हल्का में, या कपूर इसकी होगी, बालू की होगी, चौथी जयवीर मलिक की होगी, पांचवी सुकुंदरा खट्टर की होगी, पांच पांच खट्टर वो टिकट दे रखे हैं बरोदा हल्का में, भूपेंद्र हुड्डा ने शायद और क्या चीज है। और यार कपूर बार बार ये महसूस कर रहा है मेरा कैंसर, कैंसर कैंसर बिल्कुल नहीं, मैं दावा करूँ कैंसर वालों को बीड़ी सिगरेट का होका बंद है, होका पीता हाथ भी पीता है कपूर, मतलब अच्छा हाँ कपूर नरवाल जो होका पीता, झूठ बोला हो महसूस कर रहा है इलेक्शन के बाद।
हमारा कुछ नहीं, उसके भी। अच्छा, मतलब एक तरह से तो विरोधा हल्का बड़ा पावरफुल हो गया, 5 टिकट बता रहे हैं भाव जी। हाँ, ये चीज तो एक तरह से इमोशनल है, अपना लगाव है मुद्दों पे है कि भाई जो पिछले आप 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बनाया भूपेंद्र हुड्डा ने, उनके बेटे ने, कौन से मुद्दे हैं जो लोग, जिनको ये सोच के आप कह रहे हो कि हम कांग्रेस को वोट देंगे? बाई इलेक्शन में पूरी बीजेपी सरकार ने यह आश्वासन दिया कि यहाँ पर मिल खोलेंगे, यहाँ पर कॉलेज बनाएंगे, यहाँ पर आईएमटी लाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की कोई नींव नहीं रखी गई, ना कोई घोषणा हुई, ना अमल में लाई गई। जब विधायक जी ने विधानसभा में इस बात का प्रश्न उठाया, वहां भी मुख्यमंत्री ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आगे कांग्रेस की सरकार आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, इंदुराज विधायक होंगे। उन्होंने, इंदुराज जी ने उस दिन बड़ौदा रैली में भी कहा था कि भाई हम अब की बार भूपेंद्र हुड्डा से इस चीज के, जनता बटाना यूनिवर्सिटी की बात हो, सही मिल की बात हो, इसको पूरा करवाएंगे। मतलब बड़ा गंभीर विषय है। इस बार मैंने कई जगह देखा कि मतदाता किसी बात का मजाक में नहीं ले रहे, किसी चीज को गंभीर है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। और लगातार मैंने काफी लोगों से बात की, जात पात से ऊपर उठकर एक नई जो पहल मैंने देखी, कोई किसी की जात पात पे नहीं देख रहा, उनको लगता है कि भाई हमारा विकास नहीं हो पा, इनको ज्यादातर भूपेंद्र हुड्डा से उम्मीद है। बाबूजी, मैं 2-3 दिन पहले किसी और उसमें थी, तो उन्होंने बताया कि भाई खिलाड़ियों की बात आई, जैसे आपके साथ लगते विनेश को भी दी है टिकट, तो कल भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे कि भाई खिलाड़ियों को अगर गोल्ड नहीं मिला, उनके मान सम्मान के लिए हमने उनको टिकट दे दी। तो जिन चीजों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, कई तरह के जो मुद्दे थे आंदोलन को लेकर, भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे लगातार सड़कों पर रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खूब प्रचार किया। तो यहाँ जो बिल्कुल मैं लोकल ग्राउंड की बात करूं, जैसे आप बैठे हैं मनवासा में, तो क्या मानते हैं कि भाई ये राजनीति थी विनेश फोगाट को टिकट देना, या खिलाड़ियों के आंदोलन का एक तरह से बदला लेने के लिए कांग्रेस के दिमाग की सोच? ये जी, जो ये गोल्ड से चूकी विनेश फोगाट, ये मायूस ना हो, 100 ग्राम वजन ही तो बढ़ाएगा, तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए खिलाड़ी इस फील्ड में आगे से आगे आए, इसलिए वो टिकट दिए। इसमें राजनीति नहीं है, खिलाड़ियों ने पहले भी बहुत कुछ किया है, हर बार जो पॉलिसी बनाई है, जितने करोड़ रुपये दे हैं, ये पॉलिसी भूपेंद्र हुड्डा की बनाई हुई है। रही बात हमारे गांव की, हमारे गांव में जी पंप हाउस ड्रेन पक्की करवानी हो, 32 ट्यूबवेल तो वाटर लेवल ऊपर है हमारा, 32 ट्यूबवेल लगाए हैं उसमें वाह सवा तोड़ने के लिए, फिर कह देते हैं तो सरकार ने लगाए हैं, जो काम रुक जाए वो तो बालू में रखवा दिया। अच्छा, और जो काम मन जाए वो बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार बिल्कुल बाहर हो चुकी है, एक तो ये 6-6, 8-8 हजार के बिजली के मीटर जो बाहर निकल रखे, ये लेके बैठेंगे इसने। अच्छा। परिवार आईडी इसने लेके बैठेगी। अच्छा। बीजेपी तो बिल्कुल यहाँ पर साफ हो चुकी है, बालू 11 हजार से जीता था उपचुनाव में, जिस उपचुनाव में बीजेपी ने 250 करोड़ रूपये फूका था यहाँ पर। ये कैसे कह सकते हो, आपने देखे थे उनके 250 करोड़ रूपये? हम बताएंगे जी, गेगे पिप्पे सूट शराब हर गांव में पैसा जो भी चौक बिल्कुल तो पानी की तरह पैसा बहा था, जो सभी ने पता है। उसके बाद भी वो हार गई, फिर एमपी का चुनाव आया, ब्रह्मचारी बरौदा हल्का से 31 हजार की लीड करके गया, सबसे ज्यादा। लेकिन इस बार थोड़ा सा पेच ये फंस गया है कि भी जो उसमें लोकसभा में था ना, वो विधानसभा में आते आते भाईचारे में इन चीजों में बट गया। तो एक वो बिल्कुल, वो उसमें जो 31 हजार की लीड थी, अगर कपूर नहीं होता तो ये 50 पे जाती, ये तो क्लियर बात है। लेकिन कपूर उठ गया किसी कारणवश, उठा नहीं, उसको उठाया गया है। अच्छा। उठाया गया है, उसमें भी बीजेपी का हाथ है। अच्छा। क्यों, बहुत ज्यादा लीड से जीत रहा था वाले। लेकिन है तो आपके भाईचारे का, उसको आप मना सकते थे अगर आपको ऐसा लगता है तो? बात तो सुनो, कठोरा गांव में पहले ऑलरेडी 2 टिकट है कांग्रेस की, एक जयवीर वाल्मीकि और एक प्रदीप नरवाल, तीसरी टिकट भी कथुरा को कैसे दे दे भूपेंद्र हुड्डा? अच्छा, ये बात तो मुझे बनवासा में आकर पता चला है। अभी तो ये इनके देखो, ये पढ़े लिखे और का प्रभाव है कि ये बात भी सोच रहे हैं कि जब 2 वहां आ गई तो तीसरी उनको क्यों दे।
तो अगर तीसरी टिकट भी कपूर को दे देते वो, तो हरियाणा में संदेश जाता भाई, एक गांव में तीन टिकट, दो ऑलरेडी थी, बालू है फिर एक तो यंग है, राहुल की टीम का सदस्य है, मेरे से भी छोटा है 3-4 साल, और कहीं पर भी फोन कर दो, ड्रेन पे नहर वे नहर टूटी 2 बार वहीं पर खड़ा मिलेगा, बहुत मिलनसार है, आप यंग है, आगे भविष्य के लिए भी बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन मैंने मैंने जितना अभी तक देखा ना, लोग एक लोगों की जो उम्मीदें हैं ना वो ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा पर, इस कई गांव में मैंने देख रही हूँ अभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप कमजोर नहीं मान सकते, भारतीय जनता पार्टी को आप इधर आ जाए, आप भी आप, मैं कुछ और लोग भी खड़े हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, क्या कैसे भाव जी? बढ़िया जी, अच्छे। मैं आज कुछ इन लोगों से भी बात कर रही थी, तो यहाँ का जो माहौल है, लोग क्या सोचते हैं कि भाई चुनाव किस बात पे होना चाहिए, मुद्दों पे, विकास पे, या सिर्फ ये कि भाई ये हमारे पड़ोसी नहीं सुनिए? नहीं, विकास पे होना चाहिए जी। विकास में क्या चीजें मानते हैं आपकी, इस चीज का विकास? हर चीज का जी, किस चीज का भी हो, किसी भी कोई भी चीज है, कोई समस्या है, हम तो उसी चीज में मानना के लोग भाई हमारा कोई काम ना हो। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नॉन स्टॉप हरियाणा, और 70 साल में वो विकास नहीं हुआ जो हमने किया, आपकी नजर में वो 70 साल कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कैसे महसूस करते हैं? कांग्रेस पार्टी बढ़िया विचार है, अच्छे विचार है, हम सदा ही कांग्रेस के रहे हैं जी, कांग्रेस के ही रहे। आपको भी ऐसा ही लगता है इनकी सोच? बहुत बढ़िया है जी, हम तो कांग्रेस के हैं, पहले भी कांग्रेस के थे, अभी भी कांग्रेस के हैं। थोड़ी सी दूर पे और बैठे हैं काफी सारे लोग, उनसे भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, कैसे हैं साहब? चाहे सुबह सुबह आज जोटा लगा दिया, मेरे को मुठा दे दो आप, उस पे आओ, सुबह सुबह पूरा जोटा लगा रहे हो बैठने का, आज फुर्सत लगी, अच्छा खेत में से ले आए, हाँ आजकल तो मतलब खेत के बाद है ना ब्याह शादी जैसा माहौल इलेक्शन का, 10 दिन बच गए, अच्छा सारा काम छोड़ के इलेक्शन देखते हो या उसमें भाग भी ले रहे हो? नहीं, भाग भी ले रहे हैं जी। अच्छा, तो गर्मा गर्म माहौल हो गया है, 2 कैंडिडेट तो हैं पार्टी के, बड़ी पार्टी के और एक निर्दलीय भी, तो इस बार जो 2024 का इलेक्शन बड़ा ऐतिहासिक इलेक्शन है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी लगातार हरियाणा प्रदेश में कभी शासन में नहीं रही, उनका राज नहीं रहा, लेकिन इस बार रहा, और अब उस शासन के खिलाफ कांग्रेस ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया भाई जैसे पब्लिक इलेक्शन लड़ रही, मैंने कई जगह ऐसा महसूस किया, तो बरोदा हल्के के बनवासा गांव में क्या माहौल? बनवासा गांव में जी बिल्कुल एक तरफा है। किसका? बालू का। अच्छा। बालू जो उपचुनाव में जीता था उससे डबल लीड लेकर जाएगा गाँव से। क्या कारण है भाई जो ये एक तरफा बोल रहे हैं, क्या रीजन है, क्या खास बात? काम कराया जी बालू ने गांव के। लेकिन वो तो विपक्ष में है, क्या काम करा पाई? काम कराया जी, 2 बार मंदिर के पैसे 11 लाख रुपए दोनों के, 2 प्लेटी पक्की ईंट उतर रही है, पक्की हुई नहीं है तमाशे के कारण, ये बरसात के कारण हुआ, टेंडर ईंट उतर रहा है, ईंट उतरी खेतों में। वो काम आपको लगता है कि भाई ये विकास का एक पार्ट है? पार्ट है जी, इतना पता हमने आज तक हमारे बरोदा हल्का की वहां विधानसभा में 70 में किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी, जिस दिन से बालो विधायक बनाया है हर विद उसमें 70 में आवाज उठाता बरोदा हल्के की, विपक्ष में होते हुए भी बहुत काम करे हैं। लेकिन 3 बार श्री कृष्ण हुड्डा भी तो आप ही ने बनाया है यहाँ से कांग्रेस का? कृष्ण हुड्डा ने बनाया, फिर हमारे यहाँ बरोदा हल्का में इतने काम हुए, उसने काम करवाया किलोई हल्का में ज्यादा। लेकिन फिर भी एक खास बात है बरोदा हल्के की, बेशक उसने किलोई में करवाया लेकिन आप भूपेंद्र हुड्डा के नाम से उनको वोट देते रहे ना। भूपेंद्र हुड्डा ही वोट है जी, उसको भूपेंद्र की, दीपेंद्र हुड्डा की वोट से। अच्छा, एक नौजवान हैं, इनसे भी करेंगे, ये देख लो मतलब ये गजब के लोग हैं कि भाई कैंडिडेट तो कोई भी हो लेकिन वोट जाएंगी बड़े हुड्डा साहब के नाम से, तो आप यंग हैं, क्या सोचते हैं? और आपका जो प्रत्याशी है, दो तो यंग है, प्रदीप भी और वो भी, तो यंग जो जनरेशन है वो क्या सोचती इस चुनाव को लेकर? यंग जनरेशन पूरी इसके खिलाफ है जी बीजेपी सरकार, क्योंकि इसने एक अग्निवीर का था ना जो, तो उसको मतलब 4 साल कर दिया, 4 साल तो बच्चों को तैयारी करने में लग जाते हैं उसकी, अब उसमें क्या करेगा, पहले वो मतलब बच्चा पूरी लाइफ टाइम करके आता था 42 साल तक, तो अब पहले हम जाते थे सुबह सड़कों पर, लोग वो बच्चे रेस मारते मिलते थे, आज के दिन कोई भी नहीं रेस मारता मिलता, पूरी युवा में इसके खिलाफ नाराजगी है।
एक एक कौशल रोजगार है जी, इसमें इसकी उस भी। लेकिन कौशल में तो सरकार बोलती है कि भी बगैर पर्ची बगैर खर्ची हमने नौकरियां दी जी, लाइफ टाइम के लिए तो वो नहीं है, बच्चा एक मेहनत करा है उसको तो मतलब उसका पूरा वो मिलना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक मतलब नई जनरेशन है, जैसे हम देखते हैं जैसे विनेश फोगाट के साथ हुआ था, इनको खिलाड़ी थे जो हमारे, इनको दिल्ली के सड़कों पर घसीटा जा रहा था, इब यंग जनरेशन देखेगी तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह यंग जनरेशन भी इसीलिए सोच के तैयारी करते हैं कि हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अब उनका मतलब कितना नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, वो वहीं पर डाउन फॉल हो जाएंगे। हम बहुत चिंता और गंभीर का विषय है युवाओं के लिए कि इस चीज में कम से कम कौशल में और अग्निवीर में इनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। ये मैंने कई लोगों से बात सुनी, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जितनी डनडनाडन कर रही है, जितनी खुश है, मुझे नहीं लगता कि लोगों के दिलों में, युवाओं के दिलों में बड़ा चिंता का विषय है ये कि भाई हम तैयारी भी नहीं कर पा रहे। सड़कों पे जहाँ 100-100 लड़के सुबह तैयारी करते घूमते थे, वो अब नजर नहीं आ रहे। तो हाँ, आप भी कुछ बोल रहे थे, आ जाओ आप यहाँ आओ इन। अच्छा, वहां से आप सीधा, अभी कुछ कसर रह गई थी शायद वहां। आप भी जानते हो भल्डी डेयरी है अपन वसा, और पहले क्या होता था, ड्रेन की सफाई बहुत कम होती थी। जिस दिन का बालू विधायक बना है तो ड्रेन की पूरी तरह से सफाई होती है, और हमारी फसल 4 साल हो गई इसके विधायक बनने के बाद हमारी फसल नहीं मरी है। इसमें क्या है, सफाई आप अधिकारियों को दबाव देता है, अधिकारियों से आवा तो हमारी ड्रेन की सफाई होने लगी है, 4 साल से लगातार करवा रहा है। एक बाऊजी और आए हैं, इनको दे दो मुंडा, इनको दो, आप बड़े हैं, आओ बाऊजी। ये शायद हमें नहीं बोलेंगे, हमें देख के शायद थोड़ा पानी पिला दे। अच्छा कोई बात नहीं, नमस्ते नमस्ते, आप बैठो, बड़े हो आप, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताओ कैसे हैं? ठीक हूँ। थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा मेरा मुँह। मुँह तो दिखता नहीं। अच्छा तो दिखता है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, वोट डाल के आओगे? डालेंगे जी हम बालू। अच्छा बालू हमारा भाई है, बनवा सरी नाने में कोई फर्क नहीं है, अच्छा नेता है, ठीक काम करे है, ठीक उसकी बोलचाल है। आप जैसे अनजान हो, बालू के घर चले जाओगे तो वहाँ खाना पीना सब कुछ मिलेगा। अच्छा, एक एक नरवाल बंधु और उठ रहे हैं कथूरा से अपने निर्दलीय के तौर पे, डॉक्टर का आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना। अच्छा, परदेशियों से ना किया मिलान, वो तो दूसरे उसका है, हम दूसरे के। हमने जब मैं बीमार हो गया, मरे सुवाला दिया इसने या जो भी कुछ, उसने बुलाने जावा भाने, इतने तो मैं 14 पे मरूंगा। क्या बात है, मतलब दिखता बेशक ना हो लेकिन डायलॉग देख लो, वो कौन सी फिल्म है, जब जब फूल खिले फिल्म देखते थे क्या पहले? ये पुराने जमाने के धर्मेंद्र के वो मिलेंगे फैन शायद। आप हमारे सिर्फ ज्यादा देख रहे हो, जो पहले पिक्चर का नाम बता दिया, हमारे सिर्फ ज्यादा देख रहे हो आप। हम उस टाइम हमारे घर भी रेडियो होती। मुझे ये बताओ, यहाँ ये सब बोल रहे थे कि भाई हम तो भूपेंद्र हुड्डा को देखते हैं, तो बड़ौदा में क्या खास बात है कि हुड्डा को हुड्डा हो रही है? बड़ौदा में हमने देखो जी, हमने तो बालू से हुड्डा से संबंध है, और बड़ौदा का वो मेरा बड़ौदा से तो हमारा हल्का, लेकिन उड़े कौन है जितने रिनाणा मान जान हमारा। अच्छा, रिनाणा मान जान ज्यादा शायद बड़ा भाई मानते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिनाणा है, तीन गांव है ये नरवालों के, शायद चौथा कौन सा? कल्पा मुझे, कल्पा। तो ये जो नरवाल का भाईचारा, ये भी फैक्टर है या सिर्फ वोट के मुद्दे हैं? काम भी कर रखे जी, और भाईचारा भी है, चार गांव है, चारों गांव एक करता हूं। ऐसी बात नहीं है, काम करने में कोई चोरा टनाटन है, अरे चारों तरफ से ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप सारी राजनीति समझते हैं, सरकार की किसकी आने लग रही है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की या कुछ बदलाव की बयान? देखो जी, सरकार के बारे में मैं हूँ बोली पूछ। ना 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 ना, जब 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 फूल खिले की फिल्म का गाना डायलॉग जान हो तो जमा बोली पूछ कित के सुना दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो। एक तो बुढ़ापा आ गया जी, फिर दूसरी तरफ से हमने राजनीतिक से कोई गर्द नहीं, ना बालू से मतलब है, ना छोरा लुआना, ना कोई जजाज के जरूर, सारा सौदा में दो रोटी बढ़िया थे रही, एक ही कमजोरी रह रही है मेरे में, वो कोई दे नहीं सकता, परमात्मा ने पोता नहीं दिया, 5 पोती दिए, हम राजनीति से इंटरेस्ट नहीं लेते। जो आदमी बड़े नेता के तौर पर किसको पसंद करते हो? मैं भाग्यान उसको वोट दे दें, ठीक है, उसमें से मोदी क्या हो, हुड्डा क्या हो, अभी मन में कौन बस रहा है?
एक तो बालुआ है जी, बालू हमारा भाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा बनवासा गांव में, क्योंकि मैं ज्यादा पूरे गांव में घूमूंगी तो लंबी 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 वीडियो बन जाएगी, लेकिन अब तक जितने लोगों से हमने बात की सबके दिमाग में एक ही बात है कि दो टिकट कथुरा में जब दे चुके हैं कांग्रेस या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो तीसरे व्यक्ति को निर्दलीय को ऐसे बीच में नहीं आना चाहिए। आ गए तो उनकी उनका भी स्वागत है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी सबसे अग्निवीर और कई ऐसे मुद्दे हैं जो ग्रामीणों को सीधे सीधे इफेक्ट करते हैं, और आने वाले समय में लोग इन मुद्दों पर मोहर लगाकर किसको भेजेंगे विधानसभा चंडीगढ़ में, ये समय तय करेगा। बनवासा से सीधे बनवासा से रिपोर्ट सारिका की, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।